आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। पेट की आग बुझाना पड़ रहा है महंगा। इस कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के लिए पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए पूरे भारत में लॉकडाउन की भी स्थिति बनी हुई है, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए आम नागरिकों को घर घर तक सारी सुविधाएं देने की बात कही है। मगर कपड़िया गांव में ग्रामीणों को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दिख रही है, क्योंकि इन लोगों को पेट की आग बुझाने के वास्ते 7 किलोमीटर की दूरी तय करके राशन लाना पड़ रहा है। इसी गांव के कुछ नागरिक गुस्साए हुए हैं, क्योंकि खास करके राशन कार्ड में घर की महिलाओं का ही नाम है और उसमें भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो एक कदम पैदल नहीं चल पा रही हैं। मधुबनी जिले के कुल्हाड़ी प्रखंड अंतर्गत यह है कपड़िया गांव। इस गांव में 200 से ज्यादा परिवार बसते हैं। और तो और, इस गांव के आम नागरिक आज नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही राशन लाने के लिए 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन ये पीडीएस की व्यवस्था से झल्लाए हुए हैं। और सवाल तो यह भी है कि इन लोगों के द्वारा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन भी किया जा रहा है। वहीं सैकड़ों की संख्या इस गांव के उपभोक्ता कुलाही कलौजी जाने वाली सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जन वितरण विक्रेता के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं एक प्रदर्शनकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया, इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष वरुण सिंह है और वह भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। इसी का खौफ दिखाकर गरीब लोगों की अनाज का हकमारी कर रहे हैं। वहीं एक वृद्ध महिला ने भी बताया कि जब तक हम लोगों के साथ न्याय नहीं मिलेगा, तब तक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेंगे। आप लोग रोड पे उतरे हैं? हम लोग रोड पे उतरे हैं। कोरोना संक्रमण है, इसमें सरकार का आदेश है कि लॉकडाउन का पालन हो और सभी को जो है सो सुविधा उसके गाँव में उपलब्ध हो। लेकिन हमारे यहाँ पीडीएस संचालक पूर्व से ही लगभग पिछले चार माह से हमारे गांव के लोगों को परेशान किए हुए हैं। 30 बरस से मेरे गांव में जन वितरण क्रय केंद्र था, यहीं चलता था, वार्ड नंबर 4, 5 और 6 का, वो पीडीएस में ही था और चल भी रहा था। और पिछले पांच साल ये जीते हुए थे, यहीं चलाए हैं। लेकिन ये 4 महीने से जब हम लोग अनाज के लिए 5 किलो जो मिलता है, 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं, उसका जब डिमांड किए तो वो अपने आप को इस गांव में लोगों को बताया कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, हमारे आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अनाज लेना है तो लीजिए, नहीं तो हम 7 किलोमीटर दूर अपने घर पर वितरण करेंगे। और उन्होंने वही काम किया। इसके एवज में मैंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी सदर जो है उनको 28/12 को एक प्रतिवेदन भी सौंपा कि सर हम लोगों को 5 किलो के बदले 4 किलो वितरण दिया जा रहा है। वो आवेदन स्वीकृत किए, मैं उनसे फेस टू फेस मिला और उसके बाद बोले कि ठीक है, आपके गांव में ही वितरण होगा और कम नहीं मिलेगा। उसके बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दोनों आदमी मिलकर किस आधार से 7 किलोमीटर जन वितरण केंद्र के लिए अनुमति दिए, ये तो सरकारी बात है, उन लोगों के हक की बात है, उन लोगों की बात है, कैसे कर दिए, इसलिए हम लोग रोड पे उतरना पड़ा। 80 वर्ष का हो गया, हम लोग चलने में असमर्थ हैं, तो आप बताइए तो ये 7 किलोमीटर कैसे हम लोग जाएंगे? हम लोग भूखे मर रहे हैं और वो लोग चकल्लसबाजी कर रहा है। मन कौन कर रहा है? वरुण सिंह कर रहा है, जो डीलर है वो कर रहा है। तो आपके आप लोग क्या चाहते हैं वो आप लोग बोलिए। अब 7 किलोमीटर का सफर इन ग्रामीणों के लिए आसान नहीं, और न ही गरीब लाचार और बेबसों के लिए। कपड़िया गांव से पाली मोहन, जो पैक्स अध्यक्ष का गांव है, इसकी दूरी 7 किलोमीटर की है। और तो और, इस गांव के उपभोक्ता इस दुर्गम पथ पर चलते चलते हुए कई अपना पांव भी तुड़वा बैठे हैं। चर्चा है कि इसी पंचायत के एक पैक्स अध्यक्ष है वरुण कुमार सिंह, जो 4 माह पूर्व इस कपड़िया गांव में ही पीडीएस की दुकानें खोली थी। उस समय इस गांव के लोगों को काफी सहूलियत मिलती थी, अब तो इस गांव के नागरिकों को अपना राशन लाने के लिए 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब यही पैक्स अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह दिसंबर महीने से पीडीएस की दुकान अपने गांव पाली मोहन, जो अपने निजी निवास पर ले चुके हैं।
यह लोग 4 महीने से दूर रहने के कारण अपना राशन का भी उठाव नहीं करते। जब पैक्स अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह के सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि जो लोग भी आरोप लगाए हैं वो सारे निराधार हैं। दी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी की रिपोर्ट सौंपी गई है, उनको आदेश का इंतजार है। तो फिर ये क्या कहते हैं, सरकार का रूल है कि 3 किलोमीटर पर हर एक जन वितरण प्रणाली रहेगा, इन लोगों को 7 किलोमीटर। हमको अथॉरिटी, जहां सरकार के द्वारा अथॉरिटी है वहां मैं दुकान चला रहा हूं। मैं अपने मन से दुकान नहीं चला रहा हूं, सरकार का ये दुकान है, फैक्स का दुकान है। जहां सरकार का आदेश हुआ है मैं सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए मैं काम कर रहा हूं। मैं अपने पीजीएस पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा हूं, लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप गाली गलौज करते हैं, वो गलत निराधार है, ये आरोप सब गलत आरोप है, कहने के लिए कुछ कह सकते हैं। लोग कपड़िया के हैं, काफी आक्रोशित है, जो गरीबों का हक नहीं मिल रहा है, क्यों पीडीएस लगा है? हक तो मिल ही रहा है, वो बात ही रहे हैं। जैसा हम सूचना है, दूरी को लेकर थोड़ा समस्या है, दूरी के लिए हम रिपोर्ट किए हैं अनुमंडल पदाधिकारी को, वहाँ जैसे ही आदेश आ जाता है। धन्यवाद। क्या रूल है इसका? वैसे अनुमंडल पदाधिकारी व्यापार स्थल खोलने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी प्राधिकृत है, उनके यहाँ लोग रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करा कर और जांच करवाया जाता है, जांच के बाद वो निर्णय लेते हैं। सरकार का गाइडलाइन 3 किलोमीटर पर है, जनवितरण प्रणाली के यहाँ 7-8 किलोमीटर दूरी पर जाता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? पैक्स चुनाव की रंजिश कपड़िया गांव के गरीब, लाचार और बेबस लोगों को इनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2 पैक्स चुनाव प्रत्याशी के मनमुटाव के कारण यह सवाल खड़ा होता है कि इस कोरोना संक्रमण जैसी महामारी में इस तरह की लापरवाही करना खतरे की सबक बन सकती है, लिहाजा उच्च पदस्थ आला अधिकारी को इसका निदान करना चाहिए। मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट।